नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं आपके अपने कार्यक्रम द एडिटर शो में दिन भर की खबरें लेकर। इस शो में आप और हम करेंगे विस्तार से चर्चा आपसे जुड़ी देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की। आज सबसे पहले बात होगी पुरी के जगन्नाथ मंदिर की। 14 जुलाई को 46 साल बाद रत्न भंडार खोला और आज एक बार फिर से इसे खोला गया, लेकिन क्यों? दो दिन रत्न भंडार को खोलने के पीछे क्या रही वजह, हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले ही यूपी के मुजफ्फरनगर में एक अजीब फरमान आया जिसने राजनीति को तूल दे दिया। वो फरमान क्या है, हम आपको बताएंगे विस्तार से। और आगे बात होगी पटवारियों की। मध्य प्रदेश शासन आज से 45 दिन का राजस्व अभियान चला रही है, लेकिन इस बीच विस्तार न्यूज ने कुछ ऐसे किसानों से बात की है जो पैसों के पटवारियों से बुरी तरह पीड़ित हैं। आज हम आपको 3 किसानों की आपबीती सुनाएंगे। अगली खबर नक्सलवाद पर प्रहार से जुड़ी है। कल और आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा दिन था। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर बड़ा नक्सली ऑपरेशन हुआ जिसमें 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था। इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, हम आपको ग्राउंड से बताएंगे विस्तार से। आगे बात होगी जबलपुर की, जहां अस्पतालों की मनमानी अब नहीं चलेगी। यहां 90 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है जिन्हें बार बार नोटिस भेजा गया, लेकिन बावजूद इसके कोई सुधार नहीं किया गया। पूरी खबर आगे देखिए विस्तार से। और आखिर में आज आपको हुई बारिश की तस्वीर दिखाएंगे। सोचिए आज एक घंटे लगातार बारिश क्या हुई, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम आपको मध्य प्रदेश की बारिश से जुड़ी रिपोर्ट भी विस्तार से दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं द एडिटर शो। पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर का रत्न भंडार को आज फिर से खोला गया। कहा जा रहा है कि इस भंडार में हीरे जवाहरात से भरे 6 बड़े बड़े बक्से मिले हैं, जिनको बाद में खोलकर इस धन दौलत की कितनी कीमत है ये आंकी जाएगी। पिछली बार इस रत्न भंडार को 46 साल पहले खोला गया था, मगर बक्सों में रखे सामानों की गिनती और कीमत का आकलन सन 1805 में किया गया था। अब एक बार फिर से ये मौका आया है जब इस रत्न भंडार में रखे खजाने की गिनती कर कीमत का अनुमान लगाया जाएगा। भगवान जगन्नाथ मंदिर के रहस्यमय खजाने की कहानी को उजागर करती ये हमारी रिपोर्ट देखिए। सोने के पैर, सोने का हाथ, फिर खुला पुरी में रत्न भंडार। फिर एक बार पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खोला गया। इस बार रत्न भंडार में मौजूद आभूषण और कीमती सामान को अस्थाई स्ट्रांग रूम में शिफ्ट किया गया है। इस दौरान भक्तों के लिए मंदिर में एंट्री बंद कर दी गई थी, जिसकी सूचना एक दिन पहले ही दे दी गई थी। इससे पहले 14 जुलाई को 46 साल बाद रत्न भंडार खोला गया था। राज्य सरकार ने 11 सदस्यीय समिति बनाई थी। दोपहर 1:28 पर रत्न भंडार का पहला दरवाजा खोला गया। लकड़ी के 6 बक्सों में सामान शिफ्ट करके उन्हें सील कर दिया गया। दरअसल मंदिर के तहखाने में एक बाहरी और एक आंतरिक कक्ष है जिसमें रत्न रखे गए हैं। पहले बाहरी कक्ष खोला गया था, वहीं आज आंतरिक कक्ष खोला गया। इस दौरान स्थानीय प्रशासन के साथ साथ ASI की विशेष टीम भी मौजूद थी। आज का प्रक्रिया यही है कि जो सरकार की तरफ से मार्गदर्शिका जारी की गई है, तो आज का कार्य यही है कि जो भी हमारा भीतर रत्न भंडार में जो भी आभूषण है, जो भी वैल्यूबल्स है, उसको सरकार के द्वारा धार्य किए गए SOP के तहत जो अस्थायी रत्न भंडार है उसके अंदर स्थानांतरित किया जाए। पुरी का जगन्नाथ मंदिर 12वीं सदी में बना था। 1197 में उड़िया शासक ने इसे वर्तमान रूप दिया था। कहा जाता है कि 12वीं सदी में मंदिर के बनने के बाद 15वीं सदी में सूर्यवंशी राजा महाराजा कपिलेंद्र देव ने मंदिर को काफी दान दिया था। अब मंदिर के रत्न भंडार को क्यों खोला गया है वो समझिए। दोनों कक्षों में मौजूद पहले रत्नों को बाहर निकाला गया, अब ASI की टीम कक्षों के अंदर जाएगी और जांच करेगी। रत्नों की जाँच की जाएगी, वे किस काल के हैं ये पता किया जाएगा। कई रत्न 12वीं शताब्दी के बताए जा रहे हैं। रत्न भंडार की संपत्ति का लेखा जोखा भी किया जाएगा। हालांकि श्रद्धा और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इनकी कीमत का आकलन नहीं किया जाएगा। इससे पहले 1978 में इन रत्न भंडार में रखे गहनों की लिस्ट बनाई गई थी, लेकिन उनकी इतनी डिटेलिंग नहीं हुई थी।
1978 में रत्नों और आभूषण की गिनती में 72 दिन का वक्त लगा था। कुल 747 तरह के आभूषण मिले थे। करीब 140 किलो सोना, 256 किलो चांदी के बर्तन भी मिले थे। लेकिन 46 साल पहले खुले रत्न भंडार की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। गिनती के लिए तिरुपति मंदिर समेत बाहर से बुलाए गए अलंकार विशेषज्ञ भी रत्न भंडार में रखे गए कई आभूषणों का सही आकलन नहीं कर पाए थे। साल 2018 में तत्कालीन नवीन पटनायक सरकार ने फिर रत्न भंडार को खोलने की पहल की थी, लेकिन सिर्फ रत्न भंडार के ढांचे का ही जायजा लेने के लिए, न कि आभूषणों की इन्वेंट्री बनाने के लिए। तो इस बार ये पहला मौका होगा जब बक्सों में रखे रत्नों की इतनी डिटेलिंग सामने आएगी, जिसका इंतजार सभी को रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। पुरी में समुद्र किनारे 12वीं सदी में बना भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर सैकड़ों सालों से राजा महाराजाओं और अजंता की आस्था का बड़ा केंद्र रहा है। राजे महाराजाओं के दान से समृद्ध मंदिर के खजाने को मुगलों और अफगानों ने कई बार लूटा था, मगर अंग्रेज शासकों ने इस खजाने को सुरक्षित कर पंडितों और मंदिर के व्यवस्थापकों को सौंपा है। हाल के लोकसभा चुनाव में भी ये रत्न भंडार राजनीति का मुद्दा बना था, जब पीएम मोदी ने इस भंडार की चाबी कहाँ है ये सार्वजनिक तौर पर पूछा था। सावन महीने के सोमवार के लिए उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर हो रही प्रशासन की तैयारियां विवादों में आ गई हैं। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने हाट ठेला दुकानदारों को अपने नाम की पर्चियां दुकान के आगे लगाने को कहा है, जिससे फल सब्जी की दुकानें किस धर्म के लोगों की है ये समझ में आ सके। प्रशासन की इस मुहिम का देश भर में भारी विरोध हुआ है। जावेद अख्तर से लेके असुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर एतराज जताया है। देखिए क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। कावड़ यात्रियों के लिए प्रयास, विपक्ष को नहीं आया रास। इस फोटो को देखिए, मुजफ्फरपुर की हर गली में ठेलों और दुकानों पर आपको ऐसे ही दुकानदार के नाम की पर्ची देखने को मिलेगी। दुकानदारों ने ये खुद अपने मन से नहीं किया है, बल्कि प्रशासन का आदेश का पालन किया जा रहा है। दरअसल शहर में श्रावणी मेला की तैयारी चल रही है। 22 जुलाई को पहला सोमवार है। कावड़ मेले के दौरान शिव भक्त कावड़िए हरिद्वार हर की पौड़ी से गंगा जल उठाकर मुजफ्फरपुर से होते हुए अपने अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। कावड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए मुजफ्फरपुर नगर पुलिस की ओर से एक फरमान जारी किया गया था, लेकिन ये फरमान अब प्रशासन पर उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे। प्रशासन ने आदेश दिया, मुजफ्फरपुर के लोगों ने मान लिया, लेकिन विपक्षियों को ये रास नहीं आया, लिहाजा सियासत गरमाने लगी। बीजेपी इस फैसले को एकदम सटीक बता रही है, तो वहीं विपक्ष इस पर कई सवाल खड़े कर रहा है। ये करना जो ये कावड़ यात्रा पे प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना। कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। सांप्रदायिकता का खतरा कैसे उत्पन्न होता है? क्या अपनी पहचान सार्वजनिक किए जाने से किसी प्रकार का कोई भय है क्या? पहचान तो सार्वजनिक करने में कोई भय नहीं होना चाहिए। सच बात यह है कि सावन का महीना हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र है। सावन के महीने में श्रावण में जो कांवड़ यात्रा निकलती है, इस कांवड़ यात्रा को लेकर के हमने पहले भी पूर्व में देखा है कि कैसे सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हुआ करती रही हैं, विशेष करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। स्थानीय आधार पर मिले फीडबैक के आधार पर प्रशासन ने एक प्रिवेंटिव एक्शन लिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी आदेश पर सवाल उठाए और लिखा कि जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा? माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले, प्रशासन की मंशा की जांच करवा कर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। फिल्मी जगत का जाना माना चेहरा जावेद अख्तर ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और जर्मनी के नाजी दौर की ओर इशारा कर दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि नाजी जर्मनी में केवल विशेष दुकानों और घरों पर निशान बनाते थे। इस निर्देश को लेकर AIMIM चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने इस निर्देश की हिटलर की पॉलिसी से तुलना कर डाली। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना बताना, ये आर्टिकल 21
राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। दरअसल श्रावण मास के चलते गंगा जल हरिद्वार से लेकर आ रहे कांवड़ियों का आवागमन शुरू हो चुका है। इसे लेकर मुजफ्फरपुर नगर कांवड़ मार्ग पर मुस्लिम होटलों से हिंदू देवी देवताओं के नाम हटाने की मांग भी पहले की जा चुकी है। शिवसेना पदाधिकारियों ने डीएम से मांग करते हुए कहा था, इससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि उक्त होटल हिंदुओं के हैं। इसके साथ ही विवाद पैदा होने की आशंकाएं भी बढ़ जाती हैं। और इस बार फल और सब्जियों के ठेले पर नाम लिखवाने का फैसला भी लिया गया, लेकिन इस बार इस पहल ने सियासत का रूप ले लिया। प्रशासन ने निर्देश दिया है कि दुकानदार अपनी दुकान के बाहर अपना नाम लिखें, लेकिन अब इस पर विवाद हो रहा है। अखिलेश यादव, जावेद अख्तर और यहां तक कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी प्रशासन ने दुकानों की होर्डिंग चेंज करने को लेकर कहा था, जिस पर बवाल हुआ था। प्रशासन चाहता तो है कि इससे शांति व्यवस्था बनी रहे, लेकिन होता उसका उल्टा है। कैमरामैन सुनील त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज, लखनऊ। हालांकि इस आदेश पर छिड़ी बहस के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे अति उत्साह में हुई गड़बड़ी बताया और कहा कि आस्था का सम्मान तो होना ही चाहिए। प्रशासन का दावा है कि कांवड़ियों की धार्मिक आस्था को देखते हुए दुकानदारों के नाम उनकी दुकान के आगे लिखवाए गए हैं और श्रावण महीने के बाद इस आदेश को हटा भी लिया जाएगा। मगर एक बेवजह का विवाद तो हो ही गया, जिसे प्रशासन को बचना चाहिए था। मध्य प्रदेश की सरकार इन दिनों राजस्व महाअभियान चला रही है। इस अभियान में राजस्व कर्मचारी की सबसे मजबूत कड़ी यानी कि पटवारियों को चुस्त दुरुस्त करने की बात प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी कर रहे हैं, मगर पटवारियों की जातियों की अनंत कथा है। सरकार की सारी भलमनसाहत पटवारियों की अनदेखी और किसानों की उपेक्षा के चलते धरी रह जाती है। विस्तार न्यूज ने उन किसानों को भी तलाशा जो अपने हल्के के पटवारी पर रिश्वत देने की बात शपथ पत्र के साथ कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता विवेक पांडे की आंखें खोलने वाली ये रिपोर्ट। राजस्व विभाग की मनमानी, किसानों ने सबक सिखाने की ठानी। राजस्व अभियान 2024 का 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक का पुनः अभियान चलाया जा रहा है। अब मैं गरीब आदमी और तो उम्र मेरी, मैं पैसा कहां से कमा के ला के दूं पटवारी साहब। मेरे पास 10 फीट फ्रेंड बचा जो कि मेरा 50 फीट फ्रेंड था मेरा। 21 अप्रैल 2023 से आज तक इसका जो आदेश आया, वरिष्ठ अधिकारियों से कई बार निवेदन किया गया, उसके बाद भी पटवारी मनोज कुशवाहा ने इस पर अमल नहीं किया। ये किसान हितैषी सरकार है जो किसानों की सहूलियत के लिए आज से 45 दिन का खास राजस्व अभियान शुरू कर चुकी है। यानी आज से मौके पर ही किसानों की समस्याएं हल की जाएंगी। जिला कलेक्टर हर दिन सरकार को रिपोर्ट भी भेजेंगे। राजस्व अभियान 2024 का 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक का पुनः अभियान चलाया जा रहा है। इसका अर्थ ही है कि सभी प्रकार के हितग्राही पात्र लोग, जिनको कोई को किसान सम्मान निधि मिल रही है, किसी को और कोई कठिनाई है, सभी प्रकार के राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटियों के कारण से जो भी हितग्राही बचे उनको इसमें जोड़ करके अभियान की दुरुस्ती का अभियान चल रहा है। एक ओर सरकार महाअभियान चला रही है और दूसरी ओर राजस्व विभाग में पटवारियों की मनमानी से लोग परेशान हैं। पटवारी सरकारी अधिकारी होता है जो गांव की जमीन का लेखा जोखा रखते हैं। इन्हें सरकार और किसानों के बीच एक जरूरी कड़ी माना जाता है, लेकिन ये कड़ी कहीं ना कहीं कमजोर होती नजर आ रही है। विश्वास ना हो तो इन किसानों की आप बीती खुद सुने। धोखाधड़ी कीजिए, हमारे नाला नाला जमीन नाप गया, दो नंबर नापे नहीं है, 61/1 और 61/2, बस पैसा दो के। हाँ, अब मैं गरीब आदमी और तो उम्र मेरी, मैं पैसा कहाँ से कमा के ला के दूँ पटवारी साहब। अरुण श्रीवास्तव, मैंने मुख्यमंत्री करण सिंह वर्मा को बताया और उनने ये भी कह दी थी कि इसे सस्पेंड करो। हाँ, अभी तक सस्पेंड भी नहीं हुए। पैसा के मारे नहीं हो रहा, कहीं कान पैसा दे दिया होगा और अब्बान पैसा दे दिया होगा कोई है। ये है गब्बर सिंह जो पटवारी की मनमानी से परेशान है। इनकी जमीन हाईवे से लगी है,
जमीन के बंटवारे के बाद इन्होंने पटवारी से गुहार लगाई, लेकिन रिश्वत देने से चूक गए। फिर क्या था, उनकी जमीन दूसरे के नाम ही कर दी गई। बटान का मैंने आवेदन लगाया था, जो कि बंटवारे का, हम दोनों भाइयों का। उसमें मेरा 2014 का प्लॉट है, मैंने 2014 में फार्म हाउस खरीदा था 5000 स्क्वायर फीट 50x100, तो उसके लिए मैंने आवेदन लगाया हुआ है। उसका पटवारी 1,50,000 रुपये मांग रहा खाली बंटवारा करने का। भाई साहब, ये उसका नक्शा, पड़ोसी का नक्शा बढ़ा दिया, उसके पास 19 डिसमिल जमीन है, उसका नक्शा बना दिया 38 डिसमिल का। इस चक्कर में मेरा नक्शा छोटा हो गया, मेरा ये प्लॉट है सामने से पूरा कम हो गया, मेरे पास 10 फीट फ्रंट बचा, जो कि मेरा 50 फीट फ्रंट था मेरा। मेहरबान सिंह का रिकॉर्ड दुरुस्ती का केस था। 2003 में कलेक्टर ने कार्रवाई का आदेश भी जारी किया, लेकिन पटवारी काम के 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। हमारा रिकॉर्ड दुरुस्ती का केस था, जो कि हमने 2019 में लगाया था, जो कि हमारे पक्ष में अब 21 अप्रैल 2023 को आ गया था। 21 अप्रैल 2023 से आज तक इसका जो आदेश आया, वरिष्ठ अधिकारियों से कई बार निवेदन किया गया, उसके बाद भी पटवारी मनोज कुशवाहा ने इस पर अमल नहीं किया। सीधे 5 लाख रुपए का है उसका सिस्टम कि 5 लाख रुपए दे दो तो भैया तुम्हारा काम हो जाएगा, वरना ऐसे भटकते रहोगे। इनके हाथों में दिख रहा ये पत्र शपथ पत्र है, जो राजस्व विभाग की मनमानी की पोल खोलता है। किसानों ने राजस्व विभाग के रिश्वत के खेल पर रोक लगाने की कवायद भी शुरू कर दी है। हाथों में शपथ पत्र लिए राजस्व विभाग से सवाल पूछ रहे हैं। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है, आपकी बातों को ऊपर तक पहुंचाता है, तो हम भी बिना देर किए राजस्व मंत्री के पास पहुंच गए। हर जिले में जाने का प्रयास करूंगा, प्रत्येक मध्य प्रदेश के 55 जिलों में जाऊं, वो रूबरू लोगों से बात करूं, और यही हमारा महाअभियान, राजस्व महाअभियान चला रहे हैं हम, ताकि किसानों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। मैं यहाँ बैठता हूँ 11 बजे से 2 बजे तक, पूरे मध्य प्रदेश का कोई भी किसान आएगा उसके लिए स्वयं तहसीलदार से बात करता हूँ और उसका निराकरण करता हूँ, मदद करता हूँ। तो सुना आपने, खुद राजस्व विभाग ने किसानों की परेशानी का हल निकालने का जिम्मा उठाने की ठानी है। उम्मीद है कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद इन पीड़ित किसानों की परेशानी दूर होगी। मंत्री ने भरोसा दिया है, किसान भी आश्वासन को लेकर आश्वस्त है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान कब होगा, ये एक बड़ी बात है। कैमरामैन वीरेंद्र नगर के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल। तो न खाता न बही, जो पटवारी कहें वही सही, इसकी परंपरा हमारे देश में सालों से चली आ रही है। किसानों को पटवारियों से होने वाली परेशानियों पर कई फिल्में बनी हैं, तो कुछ उपन्यास भी लिखे गए हैं, मगर पटवारी हैं कि मानते नहीं। राजस्व महाअभियान में पटवारियों के बस्ते खोलकर उनसे ईमानदारी से काम करने को कहा जाएगा तो किसान खुश रहेंगे, और सरकार का मकसद भी शायद यही है। वैसे मोहन यादव सरकार की अच्छी पहल है और इन किसानों को भी न्याय मिलना चाहिए। बात अब जबलपुर के अस्पतालों की, जहां शहर के 90 अस्पतालों को व्यवस्था सुधारने के नोटिस दिए गए हैं। आमतौर पर इन अस्पतालों में आम मरीज अपनी जान बचाने जाते हैं, मगर ये अस्पताल अब खतरे के गोदाम बन गए हैं। कहीं फायर सेफ्टी के मानदंडों का पालन नहीं हो रहा, तो कहीं पर अस्पताल की बिल्डिंग ही बहुत जर्जर हालत में है। हमारे संवाददाता दुर्गेश साहू ने इन अस्पतालों में जाकर देखा कि गड़बड़ कहाँ है। देखिए ग्राउंड की रिपोर्ट। सेवा अब सेवा नहीं रही, बल्कि धंधा बन चुकी है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जबलपुर के अस्पताल मरीजों की जान से न केवल खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि नियम कानून की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। बार बार नोटिस जारी होने के बावजूद भी निजी अस्पताल सुधार नहीं कर रहे हैं, इसीलिए एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग ने शहर के 90 अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिया है और 30 दिनों के अंदर अस्पताल में कमियों को दूर करने का निर्देश दिया है। जबलपुर में संचालित हो रहे तमाम निजी अस्पतालों को लेकर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम अलर्ट है, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि 2 सालों में भी इन अस्पतालों ने अपनी कमियों को पूरा नहीं किया है, और यही वजह है कि एक बार फिर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने इन्हें नोटिस जारी किए हैं। ऐसे ही एक अस्पताल में मौजूद हूँ जो सुधा नर्सिंग हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है और ये गोल बाज़ार में स्थित है। इस गोल बाज़ार में जो हॉस्पिटल है, हमने थोड़ी देर पहले इनके ऑनर से संपर्क करना चाहा, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की कोई भी बातचीत करने से इनकार कर दिया।
जबलपुर शहर में आज से 2 साल पहले एक निजी अस्पताल में आग लगी थी और इस अग्निकांड में 8 लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे से सबक लेते हुए शहर के सभी निजी अस्पतालों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया, लेकिन तमाम सख्ती बरतने के बावजूद भी निजी अस्पताल हैं कि मानते नहीं। शहर के अस्पताल में अग्नि सुरक्षा को लेकर लापरवाही खुलेआम बढ़ती जा रही है। सवाल यही उठता है कि आखिरकार सवाल का जवाब कब देंगे। नोटिस जारी हो रहे हैं, लगातार प्रशासन सवाल उठा रहा है, लगातार जांच पड़ताल कर रहा है, नगर निगम जांच की बात कर रहा है, नोटिस जारी कर रहा है। अब सवाल यह है कि कमियां क्या। दरअसल महाकौशल हॉस्पिटल में भी पार्किंग को लेकर बड़ी कमियां हमें यहां नजर आई, जो यहां पर लोगों को कहा भी गया है और उस नोटिस में ये भी लिखा गया है कि पार्किंग नहीं है। जो भवन का निर्माण किया गया है वो भी पर्याप्त नहीं है। जिस तरीके की NOC फायर NOC होना चाहिए, फायर को लेकर जो सिस्टम होना चाहिए वो भी अस्पताल में नहीं है। दरअसल शहर के ऐसे अस्पताल जो भवन और अग्नि सुरक्षा के मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उनकी लिस्ट बनाकर नगर निगम ने स्वास्थ्य विभाग को भेजी थी। इनमें भी अस्पताल और नर्सिंग होम शामिल हैं, जिनमें खामियां मिली हैं। इस लिस्ट में शहर के कुछ बड़े अस्पताल भी शामिल हैं। निगम प्रशासन से मिली लिस्ट के आधार पर CMHO कार्यालय ने नोटिस जारी किया है। तो अब हमने अस्पतालों को सूचित कर दिया है कि ये कमियों को पूरा कर और नगर निगम के फायर डिपार्टमेंट से इसका अप्रूवल ले लें, जिससे मरीजों को भी असुविधा ना हो, क्योंकि 90 अस्पताल बहुत बड़ी संख्या है। 143 में से यदि 90 अस्पतालों में ये कमियां मिली हैं तो कोई बहुत कड़ी कार्यवाही करने का प्रश्न इसलिए नहीं उठता क्योंकि आम जनता ही परेशान हो जाती है। जबलपुर शहर में तकरीबन 143 निजी अस्पताल संचालित हो रहे हैं। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें से 90 अस्पताल अपनी कमियों को ही दूर नहीं कर पाए हैं। विस्तार न्यूज के लिए दुर्गेश साहू की रिपोर्ट। जबलपुर के इन अस्पतालों को देखकर लगता है कि इनको इलाज के नाम पर कमाई करने के लिए ही खोला गया है। मरीजों की जान से खिलवाड़ करते इन अस्पतालों पर सरकार अब सख्त हुई है। जबलपुर में करीब 150 अस्पताल हैं, जिनमें से तकरीबन 100 अस्पताल आधे अधूरे हैं और इनको नोटिस दिया है। अब सोचिए, यदि इन अस्पतालों पर ही ताले पड़ने की नौबत आ जाएगी तो शहर की इलाज व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। इसे उम्मीद की जानी चाहिए कि अस्पताल में कमियां जल्दी दूर हो जाएंगी। और अब बात करते हैं बारिश की। भोपाल में आज दोपहर जोरदार बारिश हुई। एक समय ऐसा आया कि लगा कि कुछ इलाकों की सड़कें तो तालाब में ही तब्दील हो गईं। लेकिन क्या ये बारिश भोपाल या पूरे मध्य प्रदेश का कोटा पूरा करने के लिए काफ़ी थी? और बाकी जिलों में बारिश से क्या हालात बने, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में आज जोरदार बारिश हुई है। केवल भोपाल में ही 1 घंटे में 1.5 इंच पानी गिरा है। चौराहों पर 1 से 1.5 फीट पानी भर गया और गाड़ियां आधी डूब गई। ये मुंबई का धारावी नहीं बल्कि राजधानी का बाणगंगा इलाका है, लेकिन ये मुंबई के धारावी से कम नहीं है। ये वही बाणगंगा इलाका है जहां पे लोगों के घरों में पानी भर चुका है। राजधानी में चंद घंटों की बारिश में अब इनके घर इसी नहर की तरह हो चुके हैं। और वजह ये है कि आसपास के जो क्षेत्र है वहां से पानी छोड़ा जाता है बारिश में। कई नालियाँ जो चौक होती हैं वो इसी रास्ते से निकलती हैं, जिसकी वजह से हर साल की तरह इस बार भी राजधानी में कुछ घंटों की बारिश में ही लोगों के घरों में पानी भर चुका है। ये कितने सालों से आ रही है, इन्हीं से पूछेंगे। ये कितने सालों से पानी भरने की समस्या लोगों की आ रही है? ये जब ज़्यादा पानी आता है जब ही भरता है यहाँ पर। बाकी कम पानी में तो ऐसा निकल जाता है, लेकिन जब ओवर पानी आता है, आप जिसके नीचे खड़े उसके ऊपर भी पानी था। अभी बाणगंगा इलाके में ये हमेशा से ही देखने के लिए मिलता है। लेकिन बहरहाल एक बड़ा सवाल ये है कि तमाम सारी साफ सफाई की व्यवस्था, तमाम सारी नगर निगम की निगरानी, लेकिन तस्वीर ये कि राजधानी में चंद घंटों की बारिश में बाणगंगा मुंबई का धारावी बन चुका है। भोपाल में जुलाई महीने में ही 14.4 इंच बारिश हुई है। हालांकि कोटा पूरा होने में अब 9.4 इंच बारिश की और जरूरत है। छतरपुर में भी आज जोरदार बारिश हुई। सिवनी और डिंडोरी में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। इधर मुरैना में टिकलोली दुमदार गांव में झरने के बीच तेज बहाव में 3 युवक फंस गए। हालांकि गनीमत रही कि पुलिस सही समय पर पहुंच गई और तीनों युवकों की जान बचाई गई। मध्य प्रदेश में अब तक एवरेज 10.8 इंच बारिश हो गई है। ये मानसून के कोटे से 5% कम है। पूर्वी हिस्से में अब तक 18% बारिश कम हुई है, जबकि पश्चिमी हिस्से में 7% ज्यादा हुई है।
इस साल मॉनसून ने 21 जून को प्रदेश में दस्तक दी थी, तभी से बारिश का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो ये तो थे बारिश के हाल, और ये बारिश भी गजब है, ना आए तो परेशानी और ज्यादा आए तो भी परेशानी। वैसे बारिश का ये दौर आने वाले दिनों में पूरे मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी जारी रहेगा। तो चलिए आज द इटा शो में फिलहाल इतना ही।